गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आप सबके। मैं फाइनली मलेशिया में आ गया, सिंगापुर से आज ही आया था। तो मैं पहले KLCC पार्क के थ्रू, आज मैंने देखना है ट्विन टावर, तो मैं बैक साइड से जा रहा हूँ अंदर की साइड। ये मॉल है बेसिकली, सूर्य KLCC मॉल है। सूर्य KLCC मॉल के थ्रू ही इनकी एंट्री है, जो ट्विन टावर है इसमें ही ट्विन टावर की एंट्री बनी हुई है। यहाँ से बाहर निकलते हुए सामने फिर आएगा ट्विन टावर, आएंगे पैदल वाले, तो फिर मॉल में शॉपिंग भी हो जाएगी उनकी, उनको मॉल में पड़ जाएगा मॉल का। मतलब जरूरी नहीं है कि हर कम दम मॉल देख के देखो। ये मॉल से बाहर आते हुए ये पब्लिक बैंक सामने मेरे मॉल के बीच में से है। नीचे जा रहे हैं, ये स्कल्पचर बना रखे इन्होंने यहाँ सोविनर निकालने के लिए ना। टिकट काउंटर से देखते हैं क्या पोजीशन है। हमें कल शाम की 8 बजे की टिकट मिल गई, रात का कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है शाम को देखना में। अदरवाइज ऑनलाइन में सर्च मारा था तो 4 अक्टूबर तक दिखा रहे थे कि नहीं मिलेगी। यहाँ के मस्ट, यहाँ विजिट करो आप, अकेला ऑनलाइन पे डिपेंडेंट ना रहोगे। आप सोचोगे ऑनलाइन नहीं मिल रही तो नहीं मिलेगी। अब मैं KL टावर देखने जाऊँगा, बाहर निकलते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा दूंगा आपको, फ्रंट एलिवेशन इसकी जो टावर है। कल को फिर यहाँ आएंगे 8 बजे। ये फ्रंट एलिवेशन है, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ दोनों। ये सेंटर में ब्रिज बना हुआ है, ये दोनों टावर्स हैं। ये जो ब्रिज बना हुआ है ये डबल डेकर है। 41st फ्लोर में हमें लग जाएंगे, 42nd फ्लोर जो कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ पर, जो टावर नंबर 1 की है। 2 टावर हैं, टावर नंबर 2 और टावर नंबर 1। टावर नंबर 2 से हर एक को दिखाते हैं ये टूरिस्ट को। टावर नंबर 1 पे इनकी कमर्शियल साइट है, दफ्तर बने हुए हैं, वो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। उनके लिए 42nd फ्लोर से टावर के थ्रू जाया जाता है, जो पूरा ब्रिज बना हुआ है। बाकी मैं कल को आपको दिखाऊंगा अंदर का हाल कैसा है कैसा नहीं। ऋषि ऐसो ₹500 कैमरा ब्लैक GoPro, यू कैन यूज 5 years, नो बैटरी, यू सी। कल टिकट लेके मैं KL टावर देखने चला गया, आज मैं फिर अंदर आ गया। मॉल के बैक साइड से अंदर आके मैं फ्रंट साइड में जाऊंगा, फ्रंट साइड से फिर मैं दोबारा एंटर करूंगा, आपको फिर लेके जाऊंगा मैं। ये देखो टॉयलेट के लिए पेड एंट्री है, ₹2 लगते हैं। अभी अंदर नहीं जा रहे, जब मैंने आपको वैसे दिखा रहा था कि वहाँ से एंट्री है मॉल के अंदर। तो मजाक कर रहा था, वो मैं मजाक कर रहा था, जाना वैसे उधर से ही है, मजाक तो वैसे नहीं मैं कर रहा था कि मैं मॉल की तरफ आप लेके जा रहा हूँ ताकि मॉल का व्यू दिखा दूँ मैं आपको। आपको जाना है, हमने ये मेन गेट से एंट्री की, सीधे यहाँ आके इधर से टिकट हमारे पास है, यहाँ सीधे नहीं जाना, राइट साइड मुड़ जाना है।
क्योंकि मैंने कल टिकट ले ली थी, इसलिए मेरे को आज टिकट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो नीचे जाना है पड़ेगा। सामने चेक इन है, ये नीचे मॉडल बना रखा है। सामने से टिकट ली थी मैंने। लिफ्ट के अंदर जाने के लिए आगे हम चेकिंग का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया। टिकट्स वगैरह देख के स्टिकर्स दे दिए उन्होंने अपने अपने शोल्डर पर लगाने के लिए। जो ब्रिज बना हुआ है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि 41st फ्लोर जो लेवल है, 41st लेवल है, वहाँ से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक्सेस है। 42 जो है फ्लोर है, उस वहाँ से जो दूसरा टावर है, दो टावर हैं, दूसरे टावर के लिए वहाँ पर इनके ऑफिस बने हैं, उनके ऑफिस में एंट्री है, वहाँ टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। ये 41st फ्लोर में हम पहुँच गए। 41 पे उतर रहे हैं अभी। Twin Tower. So right now you at level 41 Skybridge, 170 meters from the street level. So in front of you is a Tower 1. Right now you stay at Tower 2. Both tower fully office, no residence, no hotel. So this bridge actually is a double deck. Right now you at lower deck. Upper deck ready to for staff movement, lower deck for the public visit. So you have 10 minutes. I will call you by your sticker. Red sticker, okay? Red sticker. When I call red sticker, I need information you got inside the lobby. We send you next level 86. So if you have any question, just approach one of our staff. Selamat datang and welcome. Thank you. So अभी हम ब्रिज पे जा रहे हैं। ब्रिज से मैं आपको दोनों साइड का व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद 86 फ्लोर पे जाएंगे। दोनों टावर्स के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है उस पे खड़े हैं। ये ऊपर से देखो नीचे का, ऊपर से जब देखते हैं तो पीछे जो पार्क बना हुआ है, पार्क में फाउंटेन है, मैंने आपको दिखाया था फाउंटेन। फाउंटेन की में जो रंग बिरंगी लाइट्स चल रही हैं, फाउंटेन का शो चल रहा है इस टाइम। लाइट शो चल पड़ा, ये ऊपर से देख रहे हैं हम। देखो कितना अच्छा व्यू चल रहा है। आएगा भी और चलेगा। ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ऊपर से ले रहे हैं ये जो ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज की राइट साइड से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। ये देखो, ये सामने जो बैंक था, बैंक का, बैंक की बिल्डिंग। ये टावर के फ्रंट की तरफ सड़क है, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है।
86 फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में आ गए टावर नंबर 2 के थ्रू। पहले ये हमें 83 लेवल पर लग जाएंगे, वहाँ से दूसरी लिफ्ट के थ्रू फिर 86 में लग जाएंगे। लिफ्ट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, ये लगभग 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। लिफ्ट में गाना चल रहा है, म्यूज़िक टाइप है, तो मैंने फिर आवाज़ साउंड को जो है म्यूट कर रखा है। ये KL टावर का दिखा रहे हैं, लिफ्ट्स बहुत अच्छी हैं, मालूम नहीं पड़ता कि आप लिफ्ट में बैठे हैं, साउंडलेस लिफ्ट्स हैं। वैसे थोड़ी बहुत तो साउंड होगी होगी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको मालूम नहीं पड़ता कि आप ऊपर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 83rd लेवल आ गया। अब 86th लेवल पे जाने के लिए हम दूसरी लिफ्ट में जाएंगे, ये टावर वगैरह की हाइट दे रखी है कि कितनी हाइट है, स्पीड वगैरह इस पर दे रखी है। एटी सिक्स लेवल पे जाने के लिए हम दूसरी लिफ्ट में आ गए, ये देखो 86 का बटन प्रेस हो गया, लाइट आ गई 86 पे, इसका मतलब 86 लेवल पे जाएंगे। अभी अभी तो 83 पे खड़े हैं ना, 86 पे जाएंगे। ये 5 आ गई, ये 86 लेवल आ गया। मेरे सामने ट्विन टावर का मॉडल है, नीचे भी बना हुआ था, ये ऊपर भी बना हुआ है। सामने स्क्रीन पे कंप्यूटराइज सेटिंग कर रखी है, आप जैसे हाथ को हिलाते हैं साइड में जो बटन दे रखे हैं उसको डिजिटली टच करते हैं, आप हाथ से नहीं वैसे ही टच करते हैं, तो देखो ये टावर आप लगता है जैसे आपके हाथ में घूम रहा है। ये देखो जैसे मर्जी घुमा लो आप, इस तरह रोटेशन दे दो, ये साइड का ये बटन लगे हुए हैं, ये सामने बटन को आपने टच नहीं करना, जस्ट ऊपर से हाथ, ये हाथ का जो निशान है हाथ से, बस मैनुअली आपने इसको डायरेक्शन दे देनी है दूर से ही, टचलेस है ये। वायरलेस का सारा सिस्टम है, बिल्कुल भी आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपने सीधे ही हाथों को हिलाना है, हाथों को हिला के ही आपने सारा कुछ करना है।
डेजिग्नेटेड प्लेस दे रखी है, आप लोग वहाँ पर खड़े हो जाना है अपने स्क्रीन के सामने, फिर हाथ को जैसे भी जिस पोजीशन पे लेके जाओगे उस पोजीशन के हिसाब से आप हाथों में टावर आ जाएगा। ऊपर नीचे अच्छा नीचे तक ले मैं पहले मेरे दबो इन फोटो खिंचनी है हाँ हो गया हो गया। कर मैं तेरी फोटो वीडियो बना रहे हैं इधर अच्छा मैं सामने दिखा रहे हैं ना
वापस जाने के लिए सबसे पहले 83 लेवल पे जाएंगे, लिफ्ट में बैठ के 83 के लिए एटी थ्री लेवल आ गया। सामने स्क्रीन लगी है, स्क्रीन पे क्विज खेला जा रहा है। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने फ्लोर्स हैं, 88 फ्लोर्स हैं, ये सही आंसर है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से मलेशिया का सोविनर ले सकते हैं आप। मैंने तो खैर चाइना टाउन से ले लिया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हैं चाइना टाउन की मार्केट से। फिर भी अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, जब इतनी दूर आए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं वॉशरूम बढ़िया है, पक्का वॉशरूम है। स्क्रीन पे गेम खेली जा रही है। ये टावर है, टावर पे गोल करना है। अगर ब्रिज के साथ टच कर गया तो गोल है, जितने गोल करेंगे उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ये देखो नीचे फुटबॉल को हाथ से मैनुअली वो करना है। बॉल है ये, फुटबॉल कह लो बास्केटबॉल कह लो, बॉल है, बॉल को ऊपर टच ऊपर मारेंगे। ये ब्रिज के साथ लगेगी तो ये देखो गोल हो गया, ब्रिज के साथ लग रही है, गोल हो गया, गोल गोल। ये शॉट मिस्ड है, ये भी मिस हो गया।
ये भी मिस हो गया। वापस जाने के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। ये मेरे पीछे का व्यू है, यहाँ से जो दूसरा टावर है उसको हम देख सकते हैं। पैसे खत्म हो गए। हेलो नो फादर हे माय सन आप लिफ्ट के टाइम का अंदाजा लगा सकती हैं, मैंने इसमें कोई कट नहीं लगाया। पैसे वसूल। इस टिकट के थ्रू गए थे ऊपर। शो खत्म हो चुका, अब वापस जा रहे हैं। ये मॉल का अंदर का व्यू है। अब भूख लगाई, अब डिनर का टाइम हो गया। इसके अंदर फूड कोर्ट बना हुआ है, अब हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ से डिनर लेंगे। डिनर लेके फिर होटल में अपने कमरे में चले जाएंगे। यहाँ सरावना भवन बना हुआ है,
लाइटिंग देखो कितनी सुंदर लाइटिंग है। मॉल के बैक साइड से केएलसीसी पार्क में बने फाउंटेन का कलरफुल शो देखिए, कितना ब्यूटीफुल शो है। इसमें बैटरी ऑपरेटेड बुगीज भी चलती हैं। मैं वापस अपने होटल रूम में जा रहा हूँ। मॉल से मेरा होटल का कमरा, होटल समझ लो 500 मीटर के करीब है, 500 साढ़े 500 मीटर है। कल को मैंने बैंकॉक जाना है। ये केएलसीसी पार्क से देखो टावर कितना खूबसूरत लगता है रात के टाइम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूँ तो आपके पास पहुँच जाएँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो है मलेशिया होटल से एयरपोर्ट।